मेरा मांस और मेरी योजना कोई भंग करे तो मेरा रक्त उबल जाता है, और तुमने तो मेरी योजना ही विफल कर दी। मैंने तुम्हें ये कार्य इसलिए सौंपा क्योंकि तुम्हारी प्रशिक्षित विष कन्याएं सर्वाधिक घातक हैं और सदा अपना लक्ष्य पूरा करती हैं, और तुम मुझे ये बताने आई हो कि पुरु जीवित है। तुमने कहा था कि तुम्हारी योजना कभी नहीं चूकती, फिर इस बार तुम असफल कैसे रही? योजना के विफल होने की तो संभावना ही नहीं थी मात्य। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जिस विष कन्या को पुरु की हत्या के लिए भेजा था उसी ने न केवल पुरु को जीवित छोड़ दिया बल्कि अपने ही लोगों से विद्रोह कर बैठी। उसने पुरु की सहायता हेतु अन्य विष कन्याओं की भी हत्या कर दी। अद्भुत। अर्थात पुरु की हत्या के लिए जो तुमने शस्त्र तैयार किया पुरु के हाथ में। एक कारण बताओ कि मैं तुम्हारी हत्या क्यों ना करूं। मेरी हत्या से कुछ नहीं मिलेगा आपको, परंतु हाँ, अगर मुझे थोड़ा समय मिला तो अगला अवसर प्राप्त होते ही न केवल उस पुरु बल्कि उस विश्वासघाती विशुद्धि की हत्या भी करवा दूंगी मैं। दूसरा अवसर उसे मिलता है जो भूल कर बैठे, लेकिन तुमने तो अपराध किया है। यही तुम्हारा पहला और अंतिम अवसर था जो तुमने खो दिया है। इससे पूर्व कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस विष कन्याओं के लोक का अंत कर दूं, ये स्थान छोड़कर चली जाओ। जाओ। अब हम क्या करेंगे तावश्री? वो पुरु जीवित है इसका अर्थ समझते हैं आप? वो किसी भी समय उस सिंहासन पर अपना अधिपत्य सिद्ध करने आ जाएगा जिस पर मेरा अधिकार था। एक बात बताओ, जब तुम पिछली बार यहां आए थे तो तुम्हें सर्पों से भय लगता था, परंतु अब नहीं लगता, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहले ज्ञात नहीं था यहां के सर्पों का विष पहले ही निकाल दिया जाता है, लेकिन अब मुझे सब कुछ ज्ञात है। उचित कहा, और अब समझने का प्रयास करो। तुम और मैं ये बात जानते हैं कि ये सर्प हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, किंतु जो इस स्थान से परिचित नहीं और उनसे कहा जाए कि सर्प अति घातक है तो उसे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि सत्य है तो तुम और मैं जानते हैं वो नहीं। बस कहिए तावश्री, अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि
सूचना में बड़ी शक्ति होती है। जिसके पास अधिक सूचना हो वो जब चाहे जैसा चाहे खेल खेल सकता है। पुरु जीवित है ये बात केवल तुम और हम जानते हैं। महाराज बमनी और राष्ट्र और यहां तक कि अंबिराज और दस्यु लोग भी इस बात से अनजान हैं। और ऐसी परिस्थिति में किसी के भी मस्तिष्क के साथ खेला जा सकता है। और अब मैं वही करूंगा।